तीन दो एक, दबा दिया। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फटने वाला फटा वो। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए एक कंट्रोलर, एलईडी स्ट्रिप का जो कंट्रोलर आता है वो चाहिए आपको। तो देख सकते हैं मैंने ले चुका है ये कंट्रोलर, देखिए इस टाइप का दिखता है और इसमें रिमोट भी आता है इसके साथ में। आप देख सकते हैं इस टाइप के कनेक्टर होते हैं और रिसीवर, और इसमें 12 वोल्ट की कोई भी हमें इनपुट देना पड़ता है। 12 वोल्ट से मैंने बैटरी ली है, आप देख सकते हैं ये मैंने खुद ही बनाई है बैटरी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ आप जाके ये पूरी वीडियो देख लेना इसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूज़ बनाने के लिए हमें एक मैच बॉक्स की ज़रूरत है। उसमें से एक मैंने एक तिल्ली निकाल ली है। तिल्ली इसलिए निकाली है क्योंकि हमें अपने क्रैकर्स में आग लगाने के लिए हमें कुछ फायर जैसा कुछ चाहिए, इसलिए मैंने एक तिल्ली निकाल ली है। अब इसकी हमें इसको हमें इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने के लिए मैंने उसके लिए मैंने एक नाइक्रोम वायर ले लिया है। तो नाइक्रोम वायर एक ऐसा वायर है जिससे हम सप्लाई दें तो वो एक हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट में कन्वर्ट के आप देख सकते हैं, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं इसमें थोड़ी हीट आ गई थी, एकदम गर्म हो गया था ये। देखिए देख सकते हैं आप, एकदम लाइट जल रही है। ये नाइक्रोम वायर मैंने जो बर्तन घसने की जो एक आता है ब्रश टाइप का, वो मैंने उससे निकाला है। आप देख सकते हैं, देखिए मस्त जल रहा है ये। देखिए ये इतनी जल्दी मेल्ट भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। अब देखिए मेल्ट हो गया बहुत देर तक रखा तो। तो चलिए इसका मैच इसका फ्यूज़ बनाना चालू करते हैं। तो देखिए मैंने इसको काट लिया है, इस तरह से हमें फ्यूज़ बनाना है इसका। तो देखिए मैंने इसके ऊपर लपेट दिया है इस तरह से, इस तरह से लपेट के आपको टेप से चिपका देना है और बस आपका फ्यूज़ तैयार हो गया। तो देख सकते हैं अपना जो फ्यूज़ बन चुका है। तो मैंने इस तरह से ही बहुत सारे फ्यूज़ बना लिए हैं, और चलिए इसको मैं आपको एक ट्रायल करके बताता हूँ कि ये किस तरह से चालू होता है। तो एक मैंने एक फ्यूज़ ले लिया है जो अभी बनाया था। देखिए कंट्रोलर भी ले लिया है मैंने और बैटरी भी ले ली। तो चलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक क्रोकोडाइल कनेक्शन लिया है, क्रोकोडाइल क्लिप ली है, जिससे डायरेक्टली इधर से कनेक्ट कर देंगे। देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एक वायर नाइक्रोम वायर के इधर से लग जाएगा और दूसरा जो दूसरा क्रोकोडाइल केप है वो नाइक्रोम वायर के दूसरे वायर में लग जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से आपको बता रख दिया है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो देखिए मैंने कनेक्शन कर लिए। अब बस क्रोकोडाइल के क्लिप के जो वायर है वो मैं कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लिए। अब बस अब कंट्रोलर की स्विच रिमोट की स्विच दबाना बाकी है। तो चलिए रिमोट की स्विच दबाते हैं। चलिए देखिए मैंने दबा दिया, देख सकते हैं आप कि एकदम आग तुरंत आग लग गई। तो चलिए अब क्रैकर के साथ ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से क्रैकर फटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सेटअप रेडी कर रहा हूँ, देख सकते हैं मैंने इधर कनेक्शन कर दिए बैटरी और कंट्रोलर के साथ। और देख सकते हैं मैंने एक वायर लिया है जिससे अपना जो कंट्रोलर है वो डैमेज ना हो। और देखिए हमने एक सुतली बॉम्ब ले लिया है और इधर मैंने एक एलईडी लगाया, देख सकते हैं कंट्रोल मैं यहाँ से ऑन दबाऊंगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए। देखिए ऑन हो गई, ऑफ करता हूँ ऑफ हो गई, ऑन करता हूँ ऑन हो गई। अब देखिए फ्लैश मोड ऑन करता हूँ, ये देखिए फ्लैश मोड ऑन हो गई। देखिए दूसरा मोड, ये देखिए फ्लैश मोड ऑन होगी। कंट्रोलर देखिए इतने दूर से काम कर रहा है, कुछ अपनी 5 मीटर की रेंज है इस कंट्रोलर की। देखिए मैं ऑफ़ कर देता हूँ, देखिए ऑफ़ कर दिया मैंने उधर से। तो देख सकते हैं अब मैं इसको रेडी कर देता हूँ फटाफट। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा कंट्रोलर सब रेडी कर दिया है। देखिए कनेक्शन मैंने सारे कर दिए इधर, देख सकते हैं इधर मैंने फ्यूज़ के साथ डायरेक्ट इधर मैंने कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप। और मैंने इधर एक एलईडी कनेक्ट करके रखी जिससे मैं पता चल जाएगा कि जो सर्किट है वो ऑन है।
तब चलिए शुरू करते हैं। चलिए दूर आ जाते हैं थोड़ा, देख सकते हैं रिमोट मेरे हाथ में। देख सकते हैं और कनेक्शन उधर रेडी है। तो चलिए बटन दबाते हैं और धमाका करते हैं। तो देखिए मैं बटन दबाने जा रहा हूँ, ये मैंने बटन दबा दिया। तो आप देख सकते हैं हर जगह पूरा धुआं धुआं हो चुका है। देखिए मैंने रिमोट दबाते ही पूरा, देखिए इसलिए मैंने दूर रखा था, देख सकते हैं वायर कितना दूर आ चुका है। व्हाट, क्या बम फटा है भाई, खतरनाक। ये देखिए सुतली बम के छितड़े छितड़े उड़ चुके हैं इधर। दूसरा बम लगा लिया है, आप देख सकते हैं कनेक्शन मैंने कर दिए। अब सिर्फ रिमोट दबाने की बाकी है। रिमोट दबाते ही देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने रखा है इधर, देख सकते हैं इधर मैंने बल्ब रखा है इधर, कि जैसे ही वो पता चल जाए कि यहाँ बल्ब ऑन हो जाएगा तो दबा दूँ ना। भाई इधर से कहाँ से दबाऊँगा मैं, चलो दूर आ जाओ। चलो मैं इधर से दबा देता हूँ। 3 2 1 दबा दिया, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फटने वाला फटा। ओ भाई गजब, मजा आ गया भाई, क्या फटा है, पूरा धुआं धुआं हो, गजब गजब। तो आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।